introduce this subject countdown. Page number 1616. स्टूडेंट हम यूनिट 2 पढ़ेंगे नंबर्स प्लेस करना है वैल्यू नंबर अप टू 20. स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है राइट द मिसिंग नंबर. ये एम्प्टी बॉक्स दिए गए हैं यहाँ पर स्टूडेंट, यहाँ पर हमें नंबर राइट करना है. हमने किसकी मदद से यहाँ फिगर्स दी गई है इसकी मदद से पहले हम इस फिगर को समझेंगे. एक समझ में आ गए स्टूडेंट, बाकी हमें ऑटोमेटिकली खुद ही समझ में आ जाएगी. यहाँ पर क्या दिया गया स्टूडेंट, एक बॉक्स है. यहाँ पर क्या लिखा, वन बॉक्स होल्ड 10 पेंसिल. वन बॉक्स से इसमें कितनी पेंसिल, यहाँ पर कह रहा है 10 पेंसिल. अब इधर हम काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इधर बोला है 10 पेंसिल. अब यहाँ ये 10 बन गया ना पूरा, वन बॉक्स होल्ड 10 पेंसिल. अब यहाँ 10 बन गया तो इधर जो स्टूडेंट राइट हैंड की तरफ जो वैल्यू आती है वो वंस कहलाती है, और स्टूडेंट जो लेफ्ट हैंड की तरफ आती है जैसे कि यहाँ वन, ये क्या कहलाती है, 10. तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट क्या लिखा, इधर 1 10 था और 0 1 था. अब यहाँ पर इसी तरीके से ए है, ए यहाँ पर क्या दिया गया है स्टूडेंट, वन एक बॉक्स है उसमें 10 पेंसिल है, प्लस कर रहे हैं एक और पेंसिल इस बॉक्स में डाल रहे हैं. 10 पेंसिल ऑलरेडी है एक बॉक्स में, हमने एक और पेंसिल डालनी है इस बॉक्स के अंदर. तो हमने यहाँ देखा 10 + 1 क्योंकि हम डाल रहे हैं ना इसमें, तो इसके से कितनी हो गई 11. अब हमें पता है 11 है, इसमें जो राइट हैंड की तरफ आएगा ये वाला वन तो वो क्या कहलाएगा, वंस कहलाएगा, और यहाँ जो लेफ्ट हैंड की साइड पे आएगा वो क्या कहलाएगा स्टूडेंट, 10 कहलाएगा. तो इधर देखिए 11 है ना, ये वाला वंस और ये वाला 10. ठीक है स्टूडेंट, इसी एक्टिविटी को इस मतलब क्वेश्चन 1 को हम एक एक्टिविटी के सूरत में करते हैं स्टूडेंट. देखिए हम वो क्या कह रहा था स्टूडेंट के एक बॉक्स से, देखिए उन्होंने क्या कहा था, एक बॉक्स दिया गया है, एक बॉक्स के अंदर कितनी पेंसिल थी, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एक बॉक्स है इसमें कितनी पेंसिल है, 10 पेंसिल है स्टूडेंट. इसमें हमने एक और पेंसिल जो है वो डालनी है. ठीक है डालिए स्टूडेंट. अब देखिए पेंसिल कितनी हुई यहाँ पर, हमने काउंट करनी है कितनी पेंसिल हो रही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. यहाँ पर कितनी पेंसिल हो गई स्टूडेंट, टोटल यहाँ पर पेंसिल हो गई 11. जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पर दिखाया गया था कितनी पेंसिल हो गई थी, 11 हो गई थी ना, जिनमें से 11 हो गई थी. तो हमने बताया था कितनी 10 से और कितनी 1 से, हमने बताया था 1 एक 10 है और एक 1 1 से. ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से हम यहाँ पर सेकंड करते हैं अपना क्वेश्चन बी. एक बॉक्स से 10 पेंसिल स्टूडेंट, यहाँ पर एक बॉक्स आ रहा है तो इसमें ऑफकोर्स कितनी 10 ही पेंसिल होंगी, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में जो पहले बता चुके हैं. तो यहाँ 10 पेंसिल, इधर 10 कहाँ से आया, ये वाला आया, प्लस 2 कैसे आया स्टूडेंट, यहाँ पर 2 पेंसिल इसमें ऐड की गई है. तो स्टूडेंट 10 प्लस 2 कितने हुए, 12 हो गए स्टूडेंट, 12. अब ये देखिए यहाँ पर 12 हो गया ना. अब 12 में से हमें पता है इधर जो राइट हैंड की तरफ होगी, जैसे यहाँ पर राइट पे क्या आ रहा है, 2, तो 2 यहाँ पर कितने होंगे, 1s. और यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड के साइड होगा वो क्या कहलाएगा, 10. इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ 3, सॉरी C D E F आप खुद कीजिएगा. अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 2 राइट द मिसिंग नंबर. यहाँ नंबर मिसिंग है वो हमने राइट करने, मगर स्टूडेंट यहाँ पर जो नंबर राइट करने हैं किसकी मदद से करने, यहाँ पर फिगर दी गई है मतलब यहाँ तस्वीर दी गई है, इसकी मदद से यहाँ नंबर हमने राइट करने. जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बॉक्स है, हमें बॉक्स में पता है कितनी पेंसिल होती है, 10. तो यहाँ पर 10 तो आ गया,
प्लस का सिंबल आ गया। उसके साथ साथ यहाँ पर जो वैल्यू आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पर तो बॉक्स इन चाहिए खाली, तो हमने क्या करना है ये वाली बॉक्स यहाँ पर जो पेंसिल दी है वो काउंट करके इधर लिखना है 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर कितनी हो गई 7, 10 प्लस 7 स्टूडेंट कितने होते हैं हमें पता है, 10 प्लस 7 17 होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा 1 7 17। स्टूडेंट आपके ध्यान में यार होगा यहाँ प्लस क्यों आ रहा है, प्लस किस वजह से आ रहा है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये बॉक्स में कह रहा है डाल दीजिए और पेंसिल बढ़ जाएंगी पेंसिल, इसलिए आ रहा है प्लस। अब यहाँ देखिए हमें पता है यहाँ 17 आ गया, हमें पता है राइट हैंड साइड पे जो आएगा वो क्या कहलाएगा 1, जैसे यहाँ पर 7 हो गया, और जहाँ इधर लेफ्ट हैंड की साइड आएगी वो क्या होगा 1, तो इधर क्या लिखा 110। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर बी सी डी है, आप खुद कीजिएगा ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट यहाँ तक के डी तक। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, राइट दीज नंबर इन टेंस एंड वंस, मतलब यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, अब हमने बताने हैं कितने वंस हैं और कितने टेंस हैं। वन हैज बीन डन ऑफ यू, एक जो है आपके लिए स्टूडेंट करा हुआ है यहाँ पर, मतलब डन किया बताया गया इधर। क्वेश्चन नंबर 1 है 11, जिसमें अभी हम पीछे भी पढ़ के आए थे 11 से रिलेटिव एक्टिविटी यहाँ पर एक क्वेश्चन था, जैसे देखिए यहाँ पर तो हमें पता है इधर कितने टेन थे और इधर कितने वंस थे, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए सेम वही है स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ पर आपने अपना जहन लगाना है, यहाँ पर जहन लगा कर आपने ये सवाल सारे खुद ब खुद हल करने हैं, आपने एक समझ लेना अच्छे तरीके से, बाकी सारे आपके खुद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर दिए गए है 11, 11 से हमें पता है इधर राइट साइड पे जो आएगा वो वंस के लाएगा और इधर लेफ्ट साइड पे जो आएगा वो टेन के लाएगा, 1 10 1 1 ठीक है। यहाँ पर इसी तरीके से स्टूडेंट बी है यहाँ पर, सॉरी इधर बी है, बी क्या इधर 14 है, तो यहाँ पर हमें पता है कितने टेन है कितने वन है, हमें पता है इधर लेफ्ट साइड पे कितने होते हैं 1 10 है, और हमें इधर पता है ये राइट साइड पे जो नंबर होता है वो क्या आता है वंस होता है, यहाँ पर 4 वंस है। इसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर सी डी ई एफ जी एच आपने खुद करना है। हमारा पेज नंबर 17 इधर कंप्लीट हो गया, अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट पेज स्टूडेंट क्या है हमारा 18 है। अब हम ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डब्ल्यू आर आई टी राइट द नंबर दैट इज, यहाँ पर 10 और 1s बताए गए हैं, अब इधर नंबर लिखने। अब हम पीछे क्या पढ़कर आ रहे थे, हमें नंबर दिए जा रहे थे, हम इसको 1s और 10s में तब्दील कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, मगर अब यहाँ का क्या करना है, यहाँ पर हमें 10s और 1s दिए गए हैं, हमने इसको नंबर में लिखना है, यहाँ पर यही बोला ना सवाल में नंबर में लिखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है 1 10 2 1s, 1 10 2 1s, हमें पता है 1s हमें वो 10 क्या होता है किधर आता है हमेशा लेफ्ट साइड पर, तो इधर लेफ्ट साइड पे क्या आया 1 आया, और इधर 2 कैसे आया स्टूडेंट, यहाँ पर 2 हमें पता है हमेशा कि वो राइट साइड पर आता है, इसीलिए 1 2 12। इसी तरीके से स्टूडेंट बी होगा, बी कैसे होगा, यहाँ 1 10 है और 5 जो है 1 से, तो हमें पता है 1 कब आएगा, 1 और 5 कितने हो गए 15 हो गए, जैसे यहाँ 1 2 12 थे, यहाँ 1 5 15 है, तो इधर हमने 1 लिखा, 1 हमें पता है 10 जब भी आएगा तो ऑफकोर्स, अब हम ये नहीं कर सकते कि 5 इधर लिख देंगे, नहीं स्टूडेंट ये गलत हो जाएगा, हमें पता है 10 हमेशा लेफ्ट साइड होता है और जहाँ 1 होता है ये किस तरफ होता है, ये राइट साइड होता है 1 5 15। इसी के साथ स्टूडेंट सी डी ई एफ जी आपने खुद करने। अब हम आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन वर्ड्स एंड इन फिगर। अब हमने यहाँ क्या करना है, राइट क्या करना है वर्ड, मतलब यहाँ क्या वर्ड बन रहा है ठीक है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पर 11 बन रहा है, उसके साथ साथ फिगर को देखते हुए ठीक है स्टूडेंट। 1 हैज बीन डन ऑफ यू, एक आपके लिए करा हुआ है यहाँ पर, 1 10 एंड 1 1s, अब हमें पता है 1 10 होगा और 1 1 होगा,
तो क्या हो गया स्टूडेंट, क्या होगा 1 और 1 11 होगा। तो इधर हमने राइट करी स्पेलिंग 11 की, उसके साथ साथ हमने क्या किया इधर 1 भी लिखा, हमने नंबर में भी लिखा स्पेलिंग में भी लिखा। किसकी मदद से, फिगर कौन सी फिगर दी गई है यहाँ पर, यहाँ 10 और 1 की एक फिगर दी गई है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, बिहेवी क्या है 110 and 8 1 सेम। अबे 1 10 और 8 जो है स्टूडेंट क्या बना 18, 1 8 18 होता है। अब हम इधर क्या लिखेंगे, पहले स्पेलिंग लिखेंगे 18 EIGHTEEN 18 1 8 18 स्टूडेंट। इसी के साथ साथ CDEF आप खुद कीजिएगा स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारा पेज नंबर 18 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट, जिस तरीके से मैंने करा है वैसे ही कीजिएगा स्टूडेंट। मैं आपको एक बात बताना भूल गई स्टूडेंट, जिस दिन पे हम ये सारा काम करेंगे पेज नंबर 16 17 18, तो स्टूडेंट यहाँ पर डेट लाजमी मेंशन कीजिएगा सबसे पहले स्टूडेंट, बाकी DATE डेट स्टूडेंट यहाँ पर डेट लाजमी लिखेगा जिस डेट पर आप काम कर रहे होंगे ये वाला, ठीक है स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।